दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे गाइज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं गाइज अपने किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है सोशल मीडिया रिलेटेड, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे जो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं मुझे फॉलो करके गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आईडी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने अकाउंट को परमानेंट जो है डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस आपको आपकी प्रोफाइल पे आना है। यहाँ पे आप जो है अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। इसी प्रोफाइल पे गाइज आपको सबसे पहले चले आना है। इसके बाद में गाइज ऊपर साइड में आपको 3 जो है यहाँ पे लाइंस देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ पे 3 लाइंस पे गाइज क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, देख सकते हैं गाइज। आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे चले जाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर जो है देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइज आप जो अपने अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ से आप अपने अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप दोनों में डिफरेंट क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं तो ये टेम्पररली होता है, आप जब भी चाहे अपने अकाउंट को अगेन से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आपका कोई पोस्ट वगैरह, आपकी प्रोफाइल वगैरह कोई देख नहीं पाएगा। और जब आप चाहें कभी भी आप अपने अकाउंट को अगेन से एक्टिवेट कर सकते हैं और अगेन से आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करते गाइस तो आप अगेन से कभी भी अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने में और डीएक्टिवेट होने में यही डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे मेक श्योर अगर आप डिलीट करने जा रहे हैं अपने अकाउंट को, तो अपने जो है डाटा का बैकअप वगैरह आप पहले से बना लेना। बाद में अपने डाटा का बैकअप आप नहीं कर पाएंगे, तो जो भी फोटोज वीडियोज वगैरह है जिसका भी आप बैकअप लेना चाहते हैं वो आप बैकअप ले लेना। उसके बाद ही गाइस आप डिलीट करने का प्रोसेस जो है आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको सारी प्रोफाइल्स जो भी अटैच्ड होंगी, यहाँ पे फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का, तो जो भी आपकी जो है प्रोफाइल अटैच्ड होंगी वो आ जाएंगी। तो जैसे ये वाला आईडी डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट आएगा। सबसे पहले देखिए लिखा भी हुआ है कि डीएक्टिवेट जो होगा वो यहाँ पे जो है आप बाद में रीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है। लेकिन अगर आप डिलीट करते हैं तो ये परमानेंट हो जाएगा, इसलिए आप जो है पहले बैकअप वगैरह बना लें। यहाँ से आपका वीडियो, कमेंट्स, लाइक सब कुछ चला जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना, इस पर टिक करके, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ पे आपको एक रीज़न देना पड़ेगा आप जो है अपने अकाउंट को क्यों डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी रीज़न आप देना चाहें, क्या आपका रीज़न है वो आप दे सकते हैं। अगर आप रीज़न नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे समथिंग एल्स पे लगा सकते हैं। उसके बाद में सिंपली गाइज यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे गाइज तो आपको यहाँ पे अगेन से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालेंगे आपका जो अकाउंट है वो डिलीट लग जाएगा और ये ऑटोमेटिक जो है कुछ दिनों के बाद में डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे गाइज अगर आपको पासवर्ड आपका पता नहीं है और डिलीट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको फॉरगॉटन पासवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके गाइज आप जो अपने पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। और पासवर्ड को रिसेट करने के बाद में वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है, उसके बाद में कंटिन्यू करना है और आपका अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का सक्सेसफुली जो है गाइज यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करके गाइज आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और अभी आप जो सारा कुछ समझ गए होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं फॉलो करके मुझे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, कमाल के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।